Okay, so Yami already film release ho gayi hai aur response bhi bahut acha mil raha hai. Finally ek relief wali saans lene ko mili hai ki matlab chalo logon ko pasand aa rahi hai film and finally release ho gayi hai iski. Nahi saans to I think aur bhi zyada kam aa rahi hai kyunki kafi zyada kaam jo post success ka bhi ek apna ek usme bhi maza hai kyunki usme bhi aur dobara se aap sab se baat karne ko milta hai to share the excitement aur hum log bahut khush hain kyunki film to pata tha ki ek bahut achhi film banayi hai Amar ne पर इस तरह से जब रिस्पॉन्स मिलता है विच शोज इन बॉक्स ऑफिस नंबर्स सिर्फ तीन दिन में ही आई थिंक इट्स डन रियली वेल. जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं थिएटर से, कॉल्स एंड एवरीथिंग, इट इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग. एंड एज यू सेड की मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसका आया है फैंस के? फैन बहुत बहुत सारे, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें मैं पोस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यू डोंट वांट टू गिव आउट स्पॉयलर्स फॉर जिन लोगों के जिन्होंने देखा नहीं है. पर बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो लोग बोल रहे हैं कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं फिल्म से एंड वी फील इट एंड द मैसेज ऑफ द फिल्म इज़ सो राइट, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और काफ़ी लोगों को बहुत हंसी भी आ रही है, एंटरटेन भी हो रहे हैं. मेरे लिए बिल्कुल ही एक डिफरेंट रोल है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड जिस तरह के का रिस्पॉन्स मिला, आई थिंक आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले परी एंड द टिकटॉक क्वीन. सो सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुशी हो रही है. ओके, और इसके अलावा यू नो अगर बात करूँ मैं उजड़ा चमन के साथ में जो कंपैरिजन हो रही है, आई थिंक अब हम क्यों बात करेंगे उस बारे में, हो ही गई है. लेकिन एक्टर्स मतलब अच्छी एक्टिंग कितनी ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज यू नो एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है फिल्म में अगर बात करें तो. मैम एक फिल्म का सक्सेस होना सभी का टीम वर्क होता है, वो आपकी राइटिंग से शुरुआत होती है. एंड आई थिंक नीरेन भट्ट ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं. आमिर कौशिक इज़ अ वेरी वेरी गुड डायरेक्टर. डीनो दिनेश विजन इज़ अ वेरी क्रेडिबल प्रोड्यूसर. और जो एक्टर्स हैं ऑफकोर्स आयुष्मान, भूमि, सौरभ सर, सीमा मैम, अभिषेक बैनर्जी, आई थिंक एवरी बडी, गौतम, एवरी बडी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. उसी से तो पिक्चर बनती है. How Yami is different from Pari? Like if suppose जैसे हम मूवी में देखा एंड में क्या होता है, अगर suppose real life में आपके साथ ऐसा होगा तो would you like to, like if your husband would be bald, so ऑफ कोर्स मुझे स्पेशली अमर ने बोला था कि देखिए आपको परी की तरह रिएक्ट करना है, एज यामी रिएक्ट नहीं करना है. तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. आई थिंक बॉल्ड गाइज, जो बॉल्ड मैन होते हैं, आई थिंक दे आर रियली कूल, दे लुक रियली कूल. एंड द होल आइडिया इन द फिल्म, आपने फिल्म देखी नहीं है ना अभी, देखिए. एग्जैक्टली, सो द होल आइडिया इन द फिल्म इज कि जब तक आप खुद से पहले प्यार करें एंड देन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू लव यू. तो you look amazing, you look really, you one of the most good looking people we have from media fraternities. तारीफ हो रही है आपके किरदार को लेकर, बहुत सराहना हो रही है. थैंक यू. आप अपने आप को रोक रही हैं, बता नहीं रही जिस तरह से बताना चाहिए. और क्या बताना चाहिए. इंडस्ट्री के दोस्तों ने कैसे रिएक्ट किया, मैं यहाँ थी नहीं एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज़ हुई, मैं धर्मशाला में थी. आई वाज एट अ स्टेट इवेंट एंड सडनली बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए, कॉल्स मीडिया से भी और मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं उनसे भी, दे ऑल मैसेज एंड सडनली फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी मैसेजेस, वॉइस नोट्स स्टार्टेड कमिंग. मैंने कहा ओके, सो दैट मीन्स द फिल्म हैज़, ऑफकोर्स मुझे पता था कि इस टाइम स्क्रीनिंग हो रही है, रिव्यूज़ हो रहे हैं. तो बहुत बहुत आई जस्ट पर्सनली फील लिल ऑकवर्ड शेयरिंग की यू नो सो एंड सो मैसेज एंड एवरी थिंग. ऑफकोर्स कुछ मैसेजेस बहुत ही खास होते हैं आपके लिए एंड बट आई वैल्यू ऑल ऑफ देम. और मैंने सबको पर्सनली हु एवर्स मैसेज मी फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम फिल्म मेकर्स, टू माई कंटेम्प्रेरीज, टू the newer lot of film fraternity, I'm really really thankful to them for loving. आपने किसी का भी नाम नहीं बताया, अगर किसी का नाम बता दें प्लस व्हाट नेक्स्ट. जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो जहाँ तक कॉमेडी की बात करते हैं, बहुत कम किरदार लिखे जाते हैं खासकर एक्ट्रेसेस के लिए. और इस तरह के किरदार जो जो बहुत बिलीवेबल लगे, कोई स्लैपस्टिक नहीं, कोई कैरिकेचरिश नहीं, बहुत एक ऐसा किरदार जो आपको एंटरटेन करे और आपको आप माने कि वही बस किरदार हैं. एंड द फर्स्ट एक्ट्रेस हु केम इन माई माइंड, और हमेशा ही वो हम सबके जहन में रहेंगे, और जो वर्सिटैलिटी है उनकी, फ्रॉम चालबाज, फ्रॉम मिस्टर इंडिया टू फिल्म लाइक सदमा, इट वॉज श्रीदेवी मैम. शी इज़ अनटच्ड, उनका टैलेंट इज़ अनमैच्ड. तो सबसे पहले उनका जहन में आया. तो जब मैं शेयर नहीं करूँगी क्या, बट जब जाह्नवी ने
कॉम्प्लीमेंट किया, उन्होंने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. दैट हैज़ फॉर मी इट हैज़ अ सेंटिमेंटल कनेक्ट एंड आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाउ प्लीज़ आई वॉन्ट देम ऑल टू एंजॉय. इट इज़ योर डे, राइट? इट इज़ योर इवनिंग. सब बेटर.